श्रोतागण, आज हम लोग भारतीय भवन का एक नंबरी ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। जो पिछले जो वीडियो हम बनाए हुए थे उसमें बहुपद का बहुत अच्छा तरह से ट्रिक हम बताए हुए थे, कैसे बहुपद है कैसे नहीं है। आज मैं फिर उस पुस्तक को हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों का जो कमेंट बॉक्स में जो मेरा आया था कमेंट, उस मैथ को फिर हम बजाने जा रहे हैं। जो आप लोग देखे अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये आया था इस बुक का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें विद्यार्थियों का जो है क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रश्न में, यदि बहुपद 2xq है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है 2xq प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य हो तो का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, ये गुणनखंड तोड़ने वाला रहता तो मैं गुणनखंड तोड़कर आंसर ला सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये जो देखा जाता है से चार ऑप्शन में से अगर एक भी ऑप्शन अगर शून्य के बराबर आता है तो वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो दिया हुआ है 2/5, बी ऑप्शन दिया हुआ है 5/2, और सी ऑप्शन दिया हुआ है -1/2, और डी ऑप्शन 1 दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन को हम लोग इस मैथ में क्या करेंगे, एक के मान पर पुट करेंगे, अगर जिससे शून्य आता है तभी जाके वो आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ही सबसे पहले हम चेक कर ले रहे हैं, 2xq प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू, हम लोग क्या रखेंगे x के जगह पर प्लस 1 रख के देखते हैं। यहाँ 2 गुने x के जगह पर हमको 1 रखना है, 1 का क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुने प्लस क्या हो जाएगा x गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 1 को 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो उसका मान 1 ही आएगा, और 1 को 2 बार भी गुना कीजिए जैसे 1 गुने 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है। और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा प्लस 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा प्लस 1, और माइनस 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 1 3 हो जाता है, और 3 2 5, देखिए 5 - 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया शून्य हो गया। तो पहले ही ऑप्शन जो हम लोग चेक किए थे उसी ऑप्शन में मेरा शून्य आ गया, इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। अब दूसरा जो मैथ है क्वेश्चन नंबर आठ में जो दिया हुआ है एक्स माइनस ए कोमा एफ एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा का गुणनखंड है, जहाँ एफ ए, यहाँ पर देखिएगा एक्स, यहाँ पर एफ ए, ध्यान दीजिएगा एफ ए, एक यहाँ पर जो है ए के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे एक्स रखेंगे, एफ के जगह पर ए के जगह पर क्या रखेंगे एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स, ए के जगह पर हमको क्या रखना है एक्स रखना है, तो एक्स में से एक्स क्या होगा जीरो होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर मेरा जो है ए ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल कितना है, 2 और -5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा आपका 2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है -15, तो हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद का मेरा क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है 2 है, यहाँ पर 2x हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो यहाँ पर -15 हो गया, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस -माइनस हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। और देखते हैं ऑप्शन नंबर क में ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये किताब जो है आप लोग खरीद लीजिएगा, और निश्चित तौर पर इस किताब में क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का दिया हुआ द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग दिया हुआ है √2, क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग √2 दिया हुआ है। उसके बाद गुणनफल इसका दिया हुआ है 1/3, इसका गुणनफल दिया हुआ 1/3, तो हमको ज्ञात करना है बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर उतार देंगे, आ देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा देखिए यहाँ पर कितना 1/ होगा √3,
फिर इतना ही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर क आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बी सही तो है पर एक्स के जगह पर एम लिख दिया, इसके लिए आप लोग बेचैन नहीं होइएगा। यहाँ पर जैसे हम एक्स स्क्वायर दिए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एम स्क्वायर, यहाँ पर जहां जहां एक्स लिखे तहां तहां एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी डी का कोई भी लेटर रह सकता है। आप लोग बेचैन विचलित नहीं होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है देखते हैं, बंद कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 बनाने जा रहे हैं। 32 में भी इसी तरह का प्रश्न है, उसका योगफल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा एक दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, कितना एक दिया हुआ है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, वन। तो यहाँ पर वन लिखाएगा प्लस हो जाएगा कितना, वन। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें भी देखिए चेंजिंग कर दिया, एक्स के जगह पर आर कर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको सिर्फ मिलाना है से माइनस और प्लस वन, यहाँ पर एक्स चाहे वाई चाहे जेड कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ही हम द्विघात सूत्र में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है 5m² - 10x + 10m है, अब प्लस कितना है 5 है। तो इसमें चारों ऑप्शन के हम लोग चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं सबसे पहले, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, एम के जगह पर हमको क्या लाना है, वन लिखना है। तो 5 × 1² + 10 × 1 अब प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 में देखिए 1² एक ही होता है और 10 में 1 से गुना करेंगे 10 होगा, प्लस कितना हो जाएगा 5। तो 5 - 10 अब प्लस कितना हो जाएगा 5। तो 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से 10 गया 0, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हुआ, सी नंबर में आपका 0 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह के क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग बनाएंगे और उसी तरह के क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे। रुकिए ये सब तो क्वेश्चन अलग है, करो गुणन पहले कहे थे। क्वेश्चन नंबर जो है स्टार्ट किए, यहाँ पर इस तरह के भी हम लोग बना सकते हैं और उसमें प्रश्न में आपका लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो ध्यान दीजिएगा ए बराबर आपका 5 हो जाएगा, सी बराबर बी बराबर आपका -10 होगा और सी बराबर आपका 5 होगा। तो ये सी बाई ए हो जाता है, तो सी आपका 5 है और ए भी क्या है 5 है, करके कितना हो जाएगा 1। इस तरह के भी हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद क्या है 37 का आपका 3p³ - 5p² - 11p - 3, इसमें क्या करना है, गुणनफल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बराबर आपका हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा -5, सी बराबर हो जाएगा -11 और डी बराबर क्या हो जाएगा -3। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है डी बाई ए, माइनस डी बाई ए होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्रश्न से अगर माइनस सूत्र से और ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, काट के कितना होगा 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 जो लास्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। तो इसमें एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु कट रहा है उतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक यहाँ पर होगा 2 और 3 और ये 4, तो एक्स का मान आपका हो गया 4। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग जो है आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है।